सो फ्रेंड्स एक्ट एंड पॉलिसीज में जो हम जो नेक्स्ट चीज करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं ग्रीन हाईवे पॉलिसी देखिए जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं हमारे जो हाईवेज हैं नेशनल हाईवेज हम उनको ग्रीन करने वाले हैं ग्रीन इन द सेशन मीन दैट हम प्लांटेशन करने वाले वी आर गोइंग टू डू लोट ऑफ प्लांटेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द हाईवेज ट्रांसप्लांटेशन करने वाले हैं उसका ब्यूटिफिकेशन करने वाले हैं उसकी मेंटेनेंस करने वाले हैं और ये पॉलिसी कब अनाउंस हुई थी ये पॉलिसी हुई थी 2012 में अनाउंस हुई थी सो मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी इज टू प्रमोट ग्रीनिंग ऑफ हाईवे और ग्रीनिंग ऑफ हाईवे कैसे होगा जब हम लोग ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे ठीक है तो जो कॉरिडोर है हमारा उस कॉरिडोर के चारों तरफ दोनों तरफ जो है हम लोग प्लांट्स लगाने वाले हैं और किसकी हेल्प लेने वाले हैं वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज की हेल्प लेने वाले हैं फार्मर्स की हेल्प लेने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेने वाले हैं एन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेने वाले हैं इस इस अब हाईवे के दोनों तरफ पेड़ लगाने से क्या होगा डेफिनेटली एयर पोल्यूशन कम होगा एयर पोल्यूशन कम होगा कार्बन सिंक जो है नेचुरल कार्बन सिंक जो है वो इंक्रीज होगा देखिए पेरिस अग्रीमेंट के अंदर हम लोगों ने अपना आईएनडीसी दिया हुआ है राइट right? मतलब हम लोगों ने अपने वॉल्ट्री टारगेट्स वहां पे दिए हुए हैं तो उस वॉलेंटियर टारगेट के अंदर एक टारगेट ये भी था कि हम लोग इंडिया में जो है थ्री बिलियन टन कार्बन सिंक जनरेट करेंगे कार्बन सिंक का मतलब ये होता है कि पेड़ लगाएंगे ठीक है तो यह हमारे उस टारगेट को भी अचीव करने की तरफ एक स्टेप हो सकता है राइट तो दोनों तरफ जो हम लगाएंगे और सिर्फ इसका सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ प्लांटेशन करना है एयर पोल्यूशन कम करना है नहीं नहीं इसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा सोइल इरोजन भी जो है वो कम होगा जब हाईवे के दोनों तरफ सोइल इरोजन कम हो जाता है तो क्या होता है जब ज्यादा रेनफॉल वगैरह होता है उस टाइप पे जो वगैरह होते हैं उनके जो है चांसेस कम हो जाते हैं ठीक है तो इको फ्रेंडली नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने का हमारा मकसद है अकॉर्डिंग टू दिस ग्रीन हाईवे पॉलिसी टू थाउजेंड एंड हाईवे के लिए जितना भी बजट सेंशन अगर किया जाता है जितना भी बजट उसका एक परसेंट जो है टोटल बजट का वो हम लोग हाईवे की मेंटेनेंस और प्लांटेशन के लिए उसका यूज करने वाले हैं सुन के बहुत कम लोग रोगा वन परसेंट लेकिन एक्चुअल में दिस इज वेरी बिग अमाउंट ठीक है टोटली इसका बजट हम लोगों ने जो है हंड्रेड करोड़ रखा हुआ अभी फिलहाल के लिए प्लांटेशन पर्पज के लिए ठीक है कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा ये देगा पांच लाख लोगों को एंड इट्स नंबर पांच लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होने वाली है थ्रू दिस इनिशिएटिव और ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लो किसी एनजीओ को आपने रिस्पांसिबिलिटी दिया या किसी लोकल कम्युनिटी को रिस्पांसिबिलिटी दिया या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया पेड़ लगाने की उसमें क्या होगा वहां पे जो प्लांटेशन की जाएगी वो प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से हो रही है वो जो प्लांट्स हैं प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहे हैं वो सर्वाइव भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इनकी पूरी की पूरी जो है मॉनिटरिंग की जाएगी मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग इन द सेंस कई तरीके से मॉनिटरिंग होती है एक तो आप टीम बनाते हो जो वहाँ पे जाती है एक्चुअल में उस जगह पे विजिट करती है वो पेड़ों को काउंट करती है कि जो भी पेड़ वहाँ पे लगाए गए हैं तो वो भी एक तरह की मॉनिटरिंग होती है रोडिटिंग ऑडिटिंग होती है सपोज किसी एनजीओ को जो है टारगेट दिया गया था एक लाख पेड़ लगाने का तो उसकी छ महीने के बाद एक साल के बाद दो साल के बाद उनकी मॉनीटरिंग और ऑडिटिंग की जाती है कि उन एक लाख पेड़ में से कितने पेड़ अभी सरवाइव कर रहे हैं हम सैटेलाइट की हेल्प भी लेंगे इसरो ने जो का जो भुवन है और जो गगन है इट्स लाइक ए जी पी है ना इंडियन जी सिस्टम इसकी भी हम लोग हेल्प लेंगे ताकि हम लोग उनकी मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग कर सके देखिए इतना पैसा खर्च करके इतनी पॉलिसी बना के इतने सारे इंस्टीट्यूशन को उसमें एंगेज करके क्या फायदा अगर आप उसकी मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग ही नहीं करते हो पता तो चले कि जो चीज आपने जो स्कीम चलाई है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो भी रही है कि नहीं हो रही है तो दैट इज द दर्पज ठीक है तो इसके लिए क्या है इसका कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एन जो नेशनल आई जो होती है इट विल एक्ट लाइक ए फंड मैनेजर फंड मैनेजर की तरह काम करेगी फॉर मेंटेनिंग द ग्रीन फंड और उस फंड की जो है जो पेमेंट होती है उस पेमेंट को जो है रिलीज किया जाएगा टाइम टू टाइम एन एच ए आई जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप यह कह सकते हो कि एक तरह से जो इसकी फंडिंग होती है उसके लिए नोडल एजेंसी का काम करेगी ठीक है कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ग्रीनिंग हाईवे विल बी गिवन टू द एनजीओ एजेंसीज प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा और इसके अंदर जो भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होंगे चाहे वो कोई लोकल कम्युनिटी हो चाहे एनजीओ हो प्राइवेट सेक्टर हो जो भी हो उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो पेड़ हैं वो सरवाइव करने चाहिए तो हेल्थ सर्वाइवल एंड हेल्थ ऑफ ऑफ ट्रीज इट इज द स्टेक होल्डर्स एंड हु आर स्टेक होल्डर्स आर स्टेक होल्डर्स टू होम वी हैव गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लांटिंग ट्रीज ठीक है देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑलरेडी मैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ ठीक है द कम्युनिटीज विल ऑल्सो भी टर्म्स ऑफ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट वहाँ पे अपॉर्चुनिटी uh, जनरेट हो रही है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हम लोगों को मिल रहे हैं ठीक है पॉल्यूशन कम हो रहा है और ये कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट्स को भी कम करेगा देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है ये डबल रोड है इसके बीच में जो है यहाँ पे प्लांटेशन की गई है दोनों रोड के बीच में एक रोड ये जा रहा है एक रोड इस तरफ जा रहा है तो दोनों के बीच में जो है प्लांटेशन की गई है अब इससे क्या होता है जो नाइट के टाइम में जो दूसरी अपोजिट साइड से इस रोड से जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं इनकी लाइट जो है वो इस तरफ आने वाले व्हीकल्स के ऊपर पड़ती है जो वहाँ पे ड्राइवर होता है तो कई बार उसकी वजह से जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ये जो बीच में हम लोग प्लांटेशन करते हैं यहाँ पे तो इसकी जो ये है अनिसेसरी जो लाइट होती है उसको ब्लॉक कर सकता है और जिसकी वजह से जो है कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी यहाँ पे कम होंगे तो लाइफ भी बचाई जा सकती है नेक्स्ट हमारा है सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 सोलिड वेस्ट की मैनेजमेंट करनी no. अब इसके पर थोड़े से कुछ आपको पहले फैक्ट्स पता होना चाहिए कि ये सोलिड वेस्ट वाली प्रॉब्लम एक्चुअली इतनी बड़ी है क्या नहीं है ना सुनने में लगता है कि सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट इतना भारी वर्ड है लेकिन इसका एक्चुअल में स्टेटस क्या है इंडिया में हर रोज एक लाख पचास हजार टन सोलिड सोलिड वेस्ट वेस्ट जो है वो जनरेट होता है इसमें हम विलेजेस को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ सिर्फ जो है म्यूनिसिपैलिटीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे सो वन लैक फिफ्टी थाउजेंड टन अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सिक्सटी टू मिलियन टन ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड एनुअली साल भर में जनरेट होता है Right? राइट कितने लोगों के द्वारा थ्री सेवेंटी सिक्स तो ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट गार्बेज जनरेटर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गार्बेज जनरेटर है इस समय में ठीक है सो दैट इज वेरी वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि 2025 तक जो है इंडिया जो है तीन लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड सोलिड वेस्ट जो है वो जनरेट करेगा अभी कितना करता है वन पॉइंट फाइव और ये कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट सेवन सेवन थाउजेंड इज इवन तो दैट इज ऑल्सो अब जितना भी हम लोग जनरेट करते हैं सोलिड मटीरियल उस सोलिड मटेरियल में से जो है सिर्फ 83 परसेंट ही कलेक्ट किया जाता है मतलब 17 परसेंट तो वैसे ही पड़ा रहता है कहीं पिट में समझ लो सड़कों पे समझ लो नालियों में समझ लो 83 परसेंट ही कलेक्ट किया जाता है लेकिन इस 83 परसेंट में से सिर्फ और सिर्फ 30 परसेंट ही ट्रीट होता है आप ये मान के चलो कि इंडिया में जो है 70 परसेंट जो वेस्ट है वो तो ना ट्रीट होता वो ऐसे ही पड़ा हुआ है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है देखिए सोलिड वेस्ट तो डेफिनेटली हर कंट्री में जनरेट होगा ही होगा जब चीजें यूज करेंगे तो यूज़ करने वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो तो जनरेट होगा ही होगा प्रॉब्लम वो नहीं है प्रॉब्लम ये है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते सॉलिड वेस्ट अपने आप में कोई समस्या नहीं है बहुत सारी कंट्रीज में है जो है सॉलिड वेस्ट को जो है बड़े पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है रोड वगैरह बनाने के लिए कुछ और चीजें के लिए यूज़ होता है लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है प्रॉब्लम है कि हम इसको मैनेज नहीं करते हैं दैट इज़ द प्रॉब्लम उसके लिए जो है ये रूल बनाए गए हैं देखिये सॉलिड वेस्ट का मतलब ये होता है इसके अंदर सारे की सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है स्टार्टिंग से लेके उसके डिस्पोजल तक यानी कि जब आप सॉलिड वेस्ट को जनरेट करते हो वहां से लेके जब आप उस सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करते हो उसके बीच की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये मतलब होता है वेस्ट मैनेजमेंट का इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं कलेक्शन पहले आप उसको वेस्ट को कलेक्ट करोगे जो तो रैग पेकरस होते हैं कबाड़ी होते हैं पहले उसको आप कलेक्ट करोगे फिर उसको कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करके करोगे ट्रांसपोर्ट करके उसको ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाओगे और फिर आप उसको डिस्पोज करोगे ठीक है अलोंग विद मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन देखिए जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है ना ये तीन आर के ऊपर टिका हुआ है आर तीन आर रिड्यूस मतलब पहले तो वेस्ट को रिड्यूस करो मतलब सोर्स से ही आप उसको रिड्यूस करो आप मतलब जब चीज़ों को यूज़ करते हो तो उसका मैक्सिमम यूज़ करो हो वो कम से कम जो है वेस्ट आप जनरेट करो लेकिन अगर आपने मान लो वेस्ट जनरेट कर ही दिया है आप कोशिश करो कि आप उसका री यूज कर सको उसको दोबारा से यूज कर सको लेकिन अगर आप मान लीजिए बाई चांस दोबारा यूज भी नहीं कर पाए तो कम से कम उसको रिसाइकिल करो उसको किसी और फॉर्म में यूज़ करो तो ये तीन आर है रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल देखिए इस तरह के टर्म्स जो हैं आपके ऐसे वगैरह में और मेंस में आंसर राइटिंग में बड़ी अच्छे से यूज हो सकती है अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये तीन आर इंक्लूड करना बहुत बहुत जरूरी है ठीक है या फिर ऐसे आ जाता है कोई पॉल्यूशन या वेस्ट मैनेजमेंट के से रिलेटेड कोई ऐसे वगैरह आ जाता है तो ये तीन आर का वर्ड का यूज तो इस तरह से थोड़ा आपको पिकअप करना चाहिए जो कोई की वगैरह होते हैं ठीक है रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल ये तीन का करना बहुत जरूरी है सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन मटीरियल डिमोलिशन वेस्ट है बिल्डिंग वगैरह को आप डिमोलिश करते हो वो सब प्लास्टिक वेस्ट ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वेस्ट जो डेंजरस टाइप के होते हैं ठीक है बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल वगैरह से जनरेट होते हैं तो वो सारे के सारे आपका सॉलिड वेस्ट के अंदर में इंक्लूड होते हैं अब यह रूल क्या कहता है

और चाहे कुछ हो या ना हो लेकिन क्लीनिनेस को लेकर जो है रूल्स बड़े अच्छे बनाए गए हैं कंट्री में अभी के टाइम पे ठीक है तो पहले जो ये म्यूनिसिपल सोलिड वेस्ट रूल हुआ करता था ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो म्यूनिसिपलिटी तक ही जो है वो लिमिटेड हुआ करता था लेकिन अभी जो है इसकी रीच को बढ़ा दिया गया है अभी ये म्यूनिसिपल एरिया से बाहर निकल के जो है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड कर दिया गया है अर्बन एग्लोमेशन अर्बन का मतलब होता है कि जो एरियाज होते हैं, उसके आसपास के जो गांव वगैरह होते हैं छोटे कस्बे होते हैं आप उसको भी इंक्लूड करोगे सेंसस टाउन्स, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स वगैरह तो ये भी अभी जो है नए उसको हम लोगों ने इंक्लूड इसमें कर दिया है ये जो रूल्स है इनका मेन फोकस पता क्या है इनका मेन फोकस है कि जो देखिए वेस्ट को कलेक्ट करना उसको ट्रांसपोर्ट करना उसको ट्रीट करना डिस्पोज करना वो वो एक अलग बात है वो तो होगा हो ही होगा लेकिन जहां पे सोर्स जो है वो जनरेट हो रहा है अगर वहीं से अगर उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेज करना स्टार्ट करें तो बहुत उसको पूरे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है ठीक है देखिए आप जब घरों में मटेरियल को जनरेट करते हैं या फैक्ट्री वगैरह में मटेरियल को जनरेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है लेकिन ये सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल टू क्या कहता है ये कहता है ये फोकस करता है किसके ऊपर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स ये कहता है कि जब आप सोर्स यानी कि घरों वगैरह से फैक्ट्री वगैरह से इंस्टीट्यूशंस वगैरह से जब आप सोर्स से कलेक्ट करते हो सोलिड वेस्ट को तो वहीं से सेग्रीगेट करो बायोडिग्रेडेबल को अलग से डालो डिग्रेडेबल को अलग से डालो दैट इज द केस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैन्युफैक्चरर टू डिस्पोज ऑफ सैनिटरी एंड द पैकेजिंग वेस्ट यूजर फीस फॉर कलेक्शन डिस्पोजल एंड प्रोसेसिंग बल्क जनरेटर देखिए जैसे आप यह समझ लो जैसे कोई वाटर कंपनी, जैसे मान लो पिस्लेरी समझ लिया कोको कोला समझ लो ठीक है ये लोग प्लास्टिक जनरेट करते हैं सोलिड वेस्ट जनरेट करते हैं ठीक है नए रूल के अंदर जो है इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि आप जो लोग सोलिड वेस्ट को जनरेट कर रहे हो तो उसको कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है उसको कलेक्ट करो उसको डिस्पोज करो उसकी प्रोसेसिंग करो ये तो जनरेटर जो है ना उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दे दी गई है ठीक है द रूल्स प्रोमोट टू यूज कंपोस्ट कन्वर्जन ऑफ वेस्ट इंटू एनर्जी रिविजन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ लैंड फिल्स लोकेशन एंड द कैपेसिटी देखिए वही बात कर रहा है रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकिल तो ये बात कर रहा है यहाँ पे रिसाइकिल की बात कर रहा है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है आप उसको रिसाइकिल कर सकते हो उसको एज अ एनर्जी सोर्स आप यूज कर सकते हो तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको आप यूज कर सकते हो और जो लैंड फिल्स होती कि जो आपके शहरों में कहीं शहर के बाहर एक जगह होती है जहाँ पे सारा वेस्ट मटीरियल डाला जाता है तो इस रूल के अंदर जो उसकी लोकेशन का ध्यान भी रखा जाए कि वो रेजिडेंशियल एरिया के आसपास वगैरह ना हो अगर उस लैंड फिल की कैपेसिटी अगर वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उसके अंदर अगर सोलिड वेस्ट है तो उसको कैसे तरीके से हैंडल करना है तो सारी की सारी चीजें इसके अंदर की गई हैं। नेक्स्ट क्या कहता है सेग्रीगेटेड वेस्ट शुड बी हैंडेड ओवर टू अथोराइज रैग पिकर्स और वेस्ट कलेक्टर्स और लोकल बॉडीज जो रैग पिकर्स होते हैं जो कूड़ा जो है इकट्ठा करते हैं वेस्ट कलेक्टर्स जो होते हैं या जो लोकल बॉडीज होती हैं शहर वगैरह में म्यूनसिपैलिटीज वगैरह तो जो सेग्रीगेटेड वेस्ट होता है आप उनको हैंड ओवर करोगे क्योंकि फिर वही लोग जाके उसको जो है रिसाइकिल करेंगे या किसी ऐसी अथॉरिटी के अंदर उसको जाके जमा कराएंगे जो रिसाइकिल कर सके जो उसको कन्वर्जन कर सके तो वो सारी सारी चीजें ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट पिकर्स या रैक पिकर्स एंड वेस्ट डीलर्स इन फॉर्मल सिस्टम देखिए ये पूरे का पूरा सेक्टर बहुत इनफॉर्मल है है ना जो रैग पिकर्स होते हैं जो कबाडी वगैरह होते हैं जो रैग पिकर्स इनफॉर्मल सिस्टम इनके पास कोई किसी तरह का कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है है ना इनके पास किसी तरह का कोई पेपर वर्क नहीं होता है कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कोई इंश्योरेंस वगैरह कोई जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं होता है क्योंकि हाईली इनफॉर्मल सेक्टर है तो नए मैनेजमेंट रूल के अंदर कहा गया कि इसको फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेके आया जाए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है स्टेट गवर्नमेंट्स को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ठीक है वो लोग ये काम करेंगे तो ये अच्छी बात है एक बहुत बड़ी आ, आ, एक जो रैग पिकर्स हैं ये काफी आ, काफी संख्या में होते हैं लोग तो इनकी भी एम्प्लॉयमेंट का और इनके जो है राइट्स का भी ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है ठीक है आगे क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जनरेटर विल हैव टू टू पे यूजर फी वेस्ट एंड फॉर स्पोर्ट फाइन फॉर लिटरिंग एंड नॉन सेग्रीगेशन तो जो जनरेट करते हैं वेस्ट को जैसे कोई कंपनी का नाम ले दो कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी है वो क्या करेगी जो वेस्ट कलेक्टर्स होते हैं जो रैक पेकर होते हैं उनको जो है पैसा देंगी यूजर फी देंगी ठीक है तो इसके अंदर वो वो भी चीज डाली गई है और फाइन भी लगाया जा सकता है अगर आप वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है जिसे कहा जाता है स्पोर्ट फाइन The Department of Fertilizer, Ministry of Chemicals and the fertilizer should provide market development assistance on the city compost and ensure promotion of the co-marketing of the compost with chemical fertilizers. ye jo waste material है, इसको जो है आप ऐसा compost use कर सकते हो, इसको इसकी proper processing के बाद और उसकी जो है जो fertilizer company होती हैं, जो chemical fertilizer companies होती हैं, तो उसके साथ जो है आप आ, collaboration कर सकते हो, ठीक है? The government has also constituted a central monitoring committee under the chairmanship of secretary of ministry of environment, forest and climate change to monitor overall implementation of the rule. तो so, भैया, एक central monitoring committee बनाई गई है और इसके जो है chairman कौन है जो ministry of environment, forest and climate change के जो secretary हैं और वो वो जो भाई साहब हैं वो पूरे की पूरी इस कार्रवाई को कि वो implement हो रहा है कि नहीं हो रहा है rules followed किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेंगे ठीक है तो ये है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल एक दो चीजें है है। आप थोड़ा सा यहाँ पे आके देख सकते हो जैसे होटल्स एंड रेस्टोरेंट विल टू सेग्रीगेट वो भी सेग्रीगेट करेंगे होटल्स होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं एज पर द रूल्स ब्रांड ओनर्स हु सेल और मार्केट देयर प्रोडक्ट्स इन पैकेजिंग मटीरियल है ना जैसे आप एमेजोन वगैरह से कुछ मंगवाते हो तो वो आपको पैकेजिंग करके देता है ठीक है उसके अंदर पॉलीथीन वगैरह देता है या प्लास्टिक के डिब्बे में आपको कुछ देता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ठीक है तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप जो ये सामान बेच रहे हो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का है आप इसको कलेक्ट करोगे ठीक है कलेक्ट बैक ठीक है तो ये ये भी जो है नए रूल में डाला गया तो बड़ी अच्छी चीज है ये भी ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हजारियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2060 ठीक है सोलिड वेस्ट के साथ साथ जो है हजारियस वेस्ट भी कर लेते हैं अब जितना भी हमारा जो सोलिड वेस्ट होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा उसमें हजारडस ही हो हजारडस वेस्ट वो होता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ठीक है तो जो हजारडस वेस्ट का मतलब होता है कि इट मीन्स दैट एनी वेस्ट विच बाय रीजन ऑफ एनी इज इन फिजिकल केमिकल रिएक्टिव टॉक्सिक फ्लेमेबल एक्सप्लोजिव और जो डेंजर करता है ठीक है एंड इज टू लाइक डेंजर टू हेल्थ और एनवायरनमेंट, ठीक है उसको बोलते हैं वेस्ट। सारे के सारे वेस्ट हजारियस नहीं होते जो टॉक्सिक होते हैं फ्लेमेबल होते हैं ज्यादा जल्दी रिएक्शन करते हैं ठीक है हार्मफुल केमिकल होते हैं जो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उसको बोलते हैं वेस्ट जैसे आ, आ, आप इस, ठीक है जैसे मरकरी का एग्जांपल दे सकते हैं ठीक है मर्करी वेस्ट है वेस्ट तो हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी कार्रवाई है हमारे कंट्री में सारे के सारे प्रॉपर तरीके से मैनेज हों ठीक है उसके लिए जो है इस रूल को लाया गया वेस्ट मैनेजमेंट रूल टू एंड चलिए तो अमेंडमेंट हैज बीन डन कीपिंग इन है तो ये जो हमारा पुराना रूल था उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है ईज ऑफ डूइंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है हमारे कंट्री में कितना जल्दी आप किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हो अभी आपके लिए क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे क्वेश्चन ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है उसको कौन इशू करता है वर्ल्ड बैंक इशू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसको इशू करता है आई 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 पी सी सी उसको इशू करता है या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको इशू करता है सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू ठीक है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में हमें बताओगे ठीक है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए के प्रिंसिपल को ध्यान में रख के ये किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी पास्ट में काफी बात कर चुका हूँ ऐसी डिवेलपमेंट जो सस्टेनेबल हो ऐसी डिवेलपमेंट जो लंबे समय तक सस्टेन कर सके और वो तभी होगी जब नेचर के बीच में और ह्यूमन्स के बीच में जो है बैलेंस होगा जब जो है ग्रोथ के बीच में और नेचर के बीच में एक बैलेंस बनेगा ठीक है तो जो मैनेजमेंट रूल है टू देखिए पहले वाला 2016 था तो इसके अंदर जो है हम लोगों ने 2019 में अमेंडमेंट किया है ठीक है अमेंडमेंट किया है सो so, नए रूल क्या कहते हैं नए रूल कहते हैं कि सोलिड प्लास्टिक वेस्ट हैज बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट इनटू द कंट्री इंक्लूडिंग इन स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स तो हमारे कंट्री में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं भैया उनके अंदर जो है सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट को इंपोर्ट करना बैन कर दिया गया है स्पेशली उस केस में जब वो होता है है ठीक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज एंड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इफ फाउंड इफेक्टिव कैन नॉट बी इम्पोर्टेड बैक इन द कंट्री विद इन ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट देखिए जैसे अगर हमारी कंट्री से कोई कंप्यूटर आपने बनाया कोई रेडियो आपने बनाया कोई कैलकुलेटर आपने बनाया अगर वो डिफेक्टिव होता है अगर वो यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद सपोज आपने जर्मनी में उसको एक्सपोर्ट किया और वहाँ के वहाँ जाके इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो आप उसको जो है वापस इंपोर्ट कर सकते हो उसके डिफेक्ट को ठीक करने के लिए या उसको प्रोसेस या डिस्पोज करने के लिए ठीक है उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट की जो है आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी ठीक है तो ये उसके अंदर डाल दिया गया है ऐसी इंडस्ट्री को इसे बाहर रखा गया है जिनको ऑलरेडी जो है एक्ट या वोटर एक्ट के अंदर जो है परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी ठीक है? तो वो तो वो पहले से ही बाहर थी अब अब तो क्या ही वो अंदर आएंगी दैट इज द थिंग नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसके ऊपर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल टू देखिए किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो चाहे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट आप कर रहे हो चाहे रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो कोई स्टेडियम कोई पार्क कोई भी चीज़ अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसको बना रहे हो तो डेफिनेटली बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऐसे ही नहीं अगर कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन है उसको आप डिमोलिश कर रहे हो उसको तोड़ रहे हो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो जनरेट होता है स्पेशली अर्बन एरियाज में तो उसको कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए जो है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट रूल्स 2016 लेके आए हैं हम लोग इंडिया के अंदर जो है हर साल 530 मिलियन टन जो है वो हम लोग कंस्ट्रक्शन और वेस्ट वेस्ट मटेरियल जो है उसको जनरेट करते हैं ठीक है तो इस इश्यू को टैकल किया जाना बहुत जरूरी है बिकॉज ये बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है चलिए तो इसके फीचर्स देख लेते हैं थोड़े से इट अपलाइज टू एवरी वन हु जनरेट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट सबको अप्लाई होता है ठीक है. है तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं दे वो थोड़ा देख लेते हैं एवरी वेस्ट जनरेटर शेल सेग्रीगेट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट एंड एट कलेक्शन सेंटर्स और हैंड ओवर इट टू द Authorized processing facilities. तो जो लोग वेस्ट जनरेट करते हैं जहां पे वो करते हैं, जिस सोर्स पे जनरेट करते हैं जैसे यहां पे कोई बिल्डिंग टूट रही है तो इसी जगह पे वो लोग जो है वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे उसको अलग अलग करेंगे जो बायोडिग्रेडेबल है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है दोनों को अलग अलग करेंगे ठीक है ऑर्गेनिक वाले को अलग से करेंगे नॉन ऑर्गेनिक वाले को अलग से करेंगे और अलग करने के बाद जो है जो कंसर्न अथॉरिटी होती है जो प्रोसेसिंग करती है उसको हैंड ओवर कर देंगे ठीक है और ये भी इंश्योर करेंगे कि वो जो वेस्ट मटेरियल है वो इधर उधर ना फैले ठीक है देर शुड बी नो लिटरिंग ठीक है तो इधर उधर नहीं फैलना चाहिए ताकि वो ऐसा ना हो कि वो कभी कल को जाके किसी ड्रेन में जाके जमा हो जाए नाले वगैरह में उसको पानी को जाम कर दे या किसी पार्क के अंदर आपने डाल दिया सड़क के ऊपर डाल दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है जो बड़े जनरेटर्स होते हैं जो ज्यादा वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं मतलब मोर देन ट्वेंटी जो है जो कंसर्न अथॉरिटी है जैसे वहां की कोई म्यूनसिपैलिटी है उसके सामने जो है एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी लेके आएंगे कि देखो भैया हम लोग इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं इसको हम लोग ऐसे सेग्रीगेट करेंगे ऐसे इसको हम लोग प्रोसेस करेंगे इतने लोगों को हम लोगों ने हायर किया हुआ है ये हमारा है है ये हमारा टाइम फ्रेम जो भी चीजें हैं उसके प्लान के अंदर वो जाके इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है दूसरा लार्ज नेट शेल है हम लोग बात कर चुके हैं टू एड्रेस द लाइकली एनवायरमेंट इश्यूज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है लार्ज जनरेटर शेल सेग्रीगेट इनटू फोर स्ट्रीम चार कैटेगरी के अंदर जो है उसको मटीरियल को आप जो है सेग्रीगेट करोगे कंक्रीट स्टील वुड एंड प्लास्टिक ब्रिक्स एंड मोटार्स ये कैटेगरी है जिसके अंदर आप उसको सेग्रीगेट करोगे देखिए तो जो कंपनी वेस्ट को जनरेट करती है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ही कंपनी उसको डिस्पोज भी करेगी तो जो वेस्ट जनरेटर कंपनीज होती हैं वो किसी थर्ड पार्टी को जो है कॉन्ट्रैक्ट देती हैं किसी और कंपनी को कि भैया आप इसको डिस्पोज कर दो हम लोग इन्हें तो जनरेट कर दिया लेकिन आप इसको डिस्पोज कर दो क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ होती है तो वो जो बीच में सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इस रूल के अंदर जो है उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ हैं थोड़ा सा उसको भी देख लेते ठीक है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे जैसे उन लोगों ने जेनेटर्स ने बनाया था ठीक है और उसको जो है छह महीने के अंदर अंदर जो है उसको एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे ठीक है देखिए हमारा प्लान है हम लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं ठीक है और क्या होगा दे shall रिमूव ऑल कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट इन consultation विद द concerned लोकल अथॉरिटी मतलब वहां के जो म्यूनिसपालिटी है या लोकल अथॉरिटी है उसके साथ कंसल्ट करेंगे अपनी मर्जी से कोई फालतू तो डिसीजन नहीं लेंगे तो कंसल्टेशन से चलेगा सब कुछ ठीक है और ये गाइडलाइंस कौन बनाएगा के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो वेस्ट जनरेटर्स हैं वो कैसे कैसे काम करेंगे गाइडलाइंस कौन बनाएगा ये गाइडलाइन बनाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे विल प्रिपेयर ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी अथॉरिटी दी गई है ठीक है उनको भी अथॉरिटी दी और लोकल अथॉरिटीज तो हैं ही पहले से ही ठीक है तो वो सारी चीजें हैं अब इंप्लीमेंटेशन के लिए कितना टाइम पीरियड दिया गया है जो मिलियन प्लस सिटी है मिलियन मतलब टेन जो मिलियन प्लस सिटीज हैं उनके लिए टाइम दिया गया है एंड हाफ ईयर साल दिया गया है। जो जीरो पॉइंट फाइव टू वन मिलियन है यानी कि जो पांच लाख से लेकर दस लाख तक की सिटीज हैं उनको दिया गया है दो साल का टाइम और जो पांच लाख से कम वाली सिटीज हैं उनके लिए दिया गया है तीन साल का समय दिया गया है इन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ठीक है कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ठीक है आ, ये कोड जनरेट करेगा जिससे आप जो है वो उनकी क्वालिटी चेक कर सकते हो सर्विसेज वगैरह की ठीक है इंडियन रोड्स कांग्रेस को जो है वो दे नीड टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिस प्रोटेनिंग टू प्रोड्यूस ऑफ कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट इन द रोड कंस्ट्रक्शन क्योंकि तो बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका आप रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो इसके लिए जो है इंडियन रोड कांग्रेस ये इंस्ट्रक्शन देगा कार्रवाई करेगा इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन क्या है ये एपेक्स बॉडी है मतलब सबसे बड़ी वाली बॉडी है ऑफ हाईवे इंजीनियर्स इन द कंट्री ठीक है तो हाईवे इंजीनियर्स की एक इन कह सकते हैं ग्रुप है ठीक है इंडियन रोड कांग्रेस 1934 में एस्टेब्लिश किया गया था में बहुत पुराना है 1934 में ठीक है अंग्रेजों के समय में इसको किया गया था नेक्स्ट हमारा आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 देखिए सारे के सारे 2016 से ही चल रहे हैं रूल्स जो पुराने रूल्स चल रहे थे सबको चेंज किया गया जब नई सरकार जो है वो पावर में आई बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे डिफाइन किया गया है इट इज डिफाइंड अंडर द रूल्स एज एनी वेस्ट एनी वेस्ट विच इज प्रोड्यूस डूरिंग द डायग्नोसिस जब पेशेंट की डायग्नोस की, की जाती है तब प्रोड्यूस होता है उसके ट्रीटमेंट के दौरान जब उसको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या फिर उसको जो ब्लड बैग बैग होते हैं वो लगाए जाते हैं उसको सिरिंज वगैरह लगाई जाती हैं ठीक है बहुत सारा चीज़ें यूज़ होती हैं पेशेंट के 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 ट्रीटमेंट के दौरान उस टाइम पर जो यूज़ होता है वो वो वाला सब और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और एनिमल रिसर्च एक्टिविटीज़ पर देर टू टू द प्रोड्यूसिंग द टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल और हेल्थ कैंप्स कैंप्स लगाए जाते हैं बहुत सारे, न, पे बहुत सारे वेस्ट जो है, होता है अंडर तो बायोमेडिकल बायो वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर में अब चार तरह का होता है एक होता है येलो एक होता है रेड एक होता है व्हाइट और एक होता है ब्लू येलो इन दिस कैटेगरी एट टाइप्स ऑफ वेस्ट आर कैटेगराइज ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट एनिमल एनाटोमिकल वेस्ट सोइल्ड वेस्ट एक्सपायर्ड और डिस ठीक है बेडिंग कंटेमिनेटेड विद्लड और बॉडी फ्लूड्स तो ये सारे के सारा उसके अंदर यूज होता है रेड के अंदर इट इंक्लूड्स कंटेमिनेटेड वेस्ट दैट इज रीसाइकलेबल लाइक वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स लाइक ट्यूब्स वगैरह यूज होती हैं है, है ना वहाँ से जो बोटल्स होती हैं वो सब सब चीजें ठीक है इंटरवेनस ट्यूब सेट्स यूरिन बैग्स सीरेंज जो होती हैं वो सब और ग्लव्स जो होते हैं वो सब के सब जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं व्हाइट के अंदर आप लोग क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो जैसे यूज कंटेमिनेटेड एंड डिस्कार्डेड मेटल स्ट्रैप्स ठीक है वो सब मेटल स्ट्रैप्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ब्लू के अंदर क्या होता है इट इंक्लूड्स ब्रोकन टूटा हुआ और कंटेमिनेटेड और डिस्कार्डेड ग्लास है ना कांच वगैरह जो है यूज होता है बॉडी इम्प्लांट होते हैं जैसे कुछ बॉडी में अगर एक्स्ट्रा चीज ऐड की होती है बाहर से तो वो सब इसके अंदर इंक्लूड होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल टू क्या कहता है तो ये जो डेफिनेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रॉपरली मैनेज द पर डे बायोमेडिकल वेस्ट पर डे ऐसा नहीं है कि मंथ में साल महीना भर आप इकट्ठा करते रहो फिर आप उसको मैनेज करोगे नहीं ऐसा नहीं है डेली बेसिस पे जो है इसको तैयार तो किया जाता है इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है ठीक है तो जो वैक्सीनेशन कैंप्स होते हैं वहाँ पे भी अप्लाई होगा जो ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं वहाँ पे भी अप्लाई होगा जो सर्जिकल कैंप्स होते हैं वहाँ पे भी अप्लाई होगा ठीक है पहले सिर्फ हॉस्पिटल्स में जो एक्टिविटीज़ होती थी उनके वहाँ पे अप्लाई होता था लेकिन अभी नए रूल के अंदर में जो है ये हर जगह अप्लाई होगा जहाँ पर भी इस तरह से मेडिकल या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाती है ठीक है फेज आउट का मतलब क्या है यूज़ ऑफ क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स ग्लव्स एंड ब्लड बैग्स देखिए ये जो प्लास्टिक बैग यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में जो ग्लव्स जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं और जो ब्लड बैग्स वगैरह होते हैं ये होते हैं क्लोरिनेटिड प्लास्टिक बैग्स क्लोरिन इनके अंदर क्लोरीन मिक्स होता है और ये जब आप इसको डिस्पोज करते हो जब इनको जलाते हो तो इनसे जो है कार्सिनोजेनिक जो है वो वेस्ट जो है वो रिलीज होता है एटमोसफेयर के अंदर कार्सोजेनिक जो है अगर आप उसके ज़्यादा एक्सपोज होते हो तो वो कैंसर जनरेट कर सकता है तो क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स को जो है ग्लव्स वगैरह ब्लड बैग को फेज आउट करना है उनको खत्म करना है कि आज के बाद आप इसको यूज नहीं करोगे तो 2016 के बाद से जो है इस तरह के जो प्लास्टिक बैग्स और ग्लव्स वगैरह उसको यूज किया जाना बंद किया जाएगा ठीक है और इसकी जगह पे कोई अल्टरनेटिव जो है आप और लेके आओगे ठीक है जो बायोडिग्रेडेबल भी हो और क्लोरिन भी इंक्लूड ना करता हो ठीक है क्लोरिनेट ना हो बेसिकली इट्स लाइक पी जो प्लास्टिक पीवीसी जो प्लास्टिक लोग यूज करते हैं की चीज होती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल क्या कहता है ये कहता है कि अ बार कोड सिस्टम फॉर फॉर बैग्स और कंटेनर्स कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल विल बी एस्टेब्लिश्ड ताकि जिसको आप अगर स्कैन कर सको तो आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके प्रॉपरली उसको कैटेगराइज किया जाना है पहले उसके अंदर दस कैटेगरी होती थी अभी उसके अंदर सिर्फ चार ही कैटेगरी बनाई गई है ठीक है स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स सेट करेंगे मतलब ज्यादा सख्त जो है हम लोग स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे तो अभी आज के समय में, में ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा वेस्ट है कैसा वेस्ट है कैसे डिस्पोज किया जाएगा तो जो स्टैंडर्ड्स हैं जो उसको ज्यादा सख्त बनाया जाएगा ठीक है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लैंड प्रोवाइड कराएगी है ना जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होंगे या डिस्पोजल जो फैसिलिटी होंगी स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए लैंड प्रोवाइड कराएगी ठीक है तो ये कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो ज्यादातर तो ये सब फैक्चुअल ही चल रहा है ठीक है तो ये वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कुछ है रेड देखिए इस तरह से जो है चार बैग रखे जाते हैं आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में ठीक है चार तरह की कैटेगरी होती है रेड के अंदर क्या रखते हैं प्लास्टिक वेस्ट सीरिंज बोटल एटसेट्रा येलो के अंदर में क्या क्या रखेंगे इन्फेक्शियस वेस्ट बैंडेज कॉटन है ना ये सब रखेंगे ब्लू के अंदर क्या रखेंगे ग्लास बोटल्स डिस्कार्डेड मेडिसिन वो सब रखेंगे ब्लैक के अंदर क्या रखे नीडल्स विदाउट सीरिंज खाली जो नीडल नीडल होती हैं ठीक है और मेटल आर्टिकल्स वो सब हम लोग इसके अंदर रखेंगे 2018 के अंदर में जो है इसके अंदर हम कुछ 2016 वाला जो ये रूल था इसके अंदर 2018 में कुछ अमेंडमेंट किया गया इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की गई देखिए क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग को जो है वो 2019 तक के बाद जो है इसको फेज आउट करना है ठीक है ब्लड बैग्स को छोड़ के क्योंकि यार ब्लड बैग्स का हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है अच्छा ठीक है तो फिलहाल के लिए जो है ब्लड बैंक को बैग्स uh, होते हैं जिसके अंदर ब्लड, ब्लड को इकट्ठा करते हो छोटी थैली सी जो होती है ठीक है उसको फिलहाल के लिए यूज कर सकते हो लेकिन बाद में इसको लोग फेज आउट करेंगे ठीक है जो हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जो जो हेल्थ सेंटर्स वगैरह होते हैं ठीक है थीके? उनको क्या करना है एक एनुअल रिपोर्ट देनी है एनुअल रिपोर्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर उनको एनुअल रिपोर्ट देनी है कि तुमने कितना वेस्ट जनरेट किया कि कौन कौन से रूल्स तुमने फॉलो किए कैसे उसको डिस्पोज किया वो सारे के सारे उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना पड़ेगा ठीक है तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें हैं थोड़ा सा आपको पढ़ सकते हो नेक्स्ट हमारा था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 सर, 2016 सब है ये ई वेस्ट ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जब लैपटॉप यूज करते हो कंप्यूटर यूज करते हो कैलकुलेटर मोबाइल वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें यूज करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि वो लाइफ टाइम ही चलती हैं कभी ना कभी तो वेस्ट होती होती हैं है, है ना उनकी लाइफ जब खत्म हो जाती है तो ये उसके बारे में बात करता है ई e वेस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है

अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ई वेस्ट मोनिटरिंग टू थाउजेंड से इंडिया जनरेट्स टू मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट एनुअली साल भर में भैया बीस लाख टन हम लोग जो है ई e वेस्ट को यूज करते हैं बहुत ज्यादा है इंडिया इज द फिफ्थ पांचवा रैंक है इंडिया का सबसे पहले किसका है यूनाइटेड स्टेट चाइना जपैन जर्मनी और इंडिया जो है फिफ्थ कंट्री है ना यू कैन सी द इंटेंसिटी ठीक है फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री टू प्रोड्यूस ई वेस्ट एनवली ई वेस्ट के अंदर जो है काफ़ी टॉक्सिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे लेड मरकरी कैडमियम क्रोमियम ठीक है बाईफिनाइल एटसेट्रा डाइफिनाइल एट्सेट्रा तो ये काफ़ी डेंजरस है टॉक्सिक है अगर आपकी बॉडी में एंट्री कर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं आपकी बॉडी में ठीक है और बहुत एक्सट्रीम केस में डेथ भी हो सकती है और क्या कर रहा है ये जो पुराना हमारे पास जो ई मैनेजमेंट मैनेजमेंट रूल था 2011 में तो नई गवर्नमेंट आई तो उसने 2016 में इसको रिप्लेस कर दिया पुराने वाले को ठीक है फॉर द फर्स्ट टाइम द रूल्स ब्रॉट द प्रोड्यूसर अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी अलोंग विद द टारगेट्स तो जो लोग जैसे कोई मोबाइल कंपनी है जैसे एमआई है या माइक्रो या माइक्रोवेव जो भी है है ना माइक्रोमैक्स तो इन कंपनीज को भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचना नहीं है आपका ये काम भी है कि वो जो वेस्ट बाद में जनरेट होता है कि उसको कलेक्ट किया जाए जिसे कहा गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है तो ई वेस्ट को कलेक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई कि आप सिर्फ बेच नहीं सकते ऐसा नहीं है कि आपने किसी को मोबाइल बेच दिया नो, आप उसको कलेक्ट भी करोगे प्रोड्यूसर स्टेक होल्डर्स इन द रूल तो पहले जो लोग थे ना मैनुफेक्चर डीलर्स रिफर्बिशर डीलर मतलब जो दुकानों वगैरह पे जो सामान बेचते हैं ठीक है जो दुकानें होती हैं आपकी रिफर्निशर्स जो पुराना प्रोडक्ट लेके उसको रिफर्निश करके उसको रिन्यू करके आपको बेचते हैं इन लोगों को भी स्टेक होल्डर बनाया गया है पहले इनसे कोई मतलब नहीं था पुराने वाले रूल्स में एक और बहुत खास चीज है जो नया पहले जो 2011 में जो रूल्स थे उसके अंदर जो है सी एफ एल को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था ई वेस्ट के अंदर सी एफ आई को नए वाले के अंदर जो है सी एफ एल को भी इंक्लूड किया गया था एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है ये ठीक है पिछले वाले में 2011 वाले में जो है किस स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसा कोई रिस्पॉसिबिलिटी नहीं दी गई थी लेकिन नए वाले में जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो ये भी बड़ी अच्छी चीज है ठीक है पिछले वाले केस में अगर कोई रूल्स को तोड़ता है तो उसके लिए कोई ऐसा जो है पेनल्टी वगैरह का पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है लेकिन नए वाले के अंदर वो भी आपने इंक्लूड कर दिया है ठीक है अर्बन लोकल बॉडीज हैज बीन असाइंड द द द ड्यूटी टू टू कलेक्ट एंड चैनलाइज प्रोडक्ट्स डिसमेंटलर और म्यूनिसकिल तो म्यूसिपैलिटीज जो है कमेटी काउंसिल कॉरपोरेशन वगैरह उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप लोग भी कलेक्ट कर रहे हैं कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोपरली डिस्पोज करें अगर आप डिस्पोज नहीं कर सकते किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे जो है उसको आप इन चीजों को दें ठीक है तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी इसके अंदर जो है हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है अब 2016 2016 2016 वाले को जो है 2018 में में अमेंडमेंट किया गया तो 2011, 2016 2018. तो 2011, एंड सिर्फ और सिर्फ जो है गाइडलाइंस की आई थी 2018 में एक्चुअली अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर ठीक है तो इसके अंदर जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो रिस्पॉसिबिलिटी थी उसके टारगेट को बढ़ा दिया गया ठीक है जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके टारगेट को रिवाइज किया गया फेज वाइज जो है हम लोग इसको करेंगे क्वान्टिटी ऑफ द वेस्ट जनरेशन एज इंडिकेटेड इन दी आर प्लान ड्यूरिंग टू थाउजेंड द टारगेट फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री Onward shall be of of the quantity of the the quantity generation as indicated in EPR EPR plan. EPR plan मतलब extended producer responsibility responsibility दी गई कि आप करोगे। तो टेन परसेंट collect करना है हर साल वो टेन 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 percent जो है increase होगा और 2023 के बाद जो है सेवेंटी परसेंट waste जो आपने generate किया है वो उसको collect करोगे ठीक है So वो तो कुछ चीज के अंदर की गई हैं। सेपरेट ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट्स जो है वो सेट किए गए हैं प्रोड्यूसर्स के लिए जो नए वाले प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ठीक है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अप्लाई करेगा सारे के सारे रूल्स को तो कुछ कुछ चीज़ें इसके तो अंदर जो है ये फैक्चुअल दी गई हैं सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो आपकी बुक के अंदर दिया गया है तो थोड़ा सा मैं इसका आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अदरवाइज आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो नई अमेंडमेंट होती हैं आप उसका क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हो ठीक है मेंस में क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कई बार कि डिस्कस द लाइक कोई से अमेंडमेंट हुआ है ई ई वेस्ट वाले में तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द न्यू प्रोविजंस ऑफ न्यूली ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे वो मेन्स में पूछ सकते हैं तो डेफिनेटली कुछ जो क्रिटिकल अमेंडमेंट होती हैं जो जिसका इम्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है बहुत डायरेक्ट होता है वो आपको इसमें आना चाहिए और कुछ ऐसे पॉइंट जो क्रिटिकली एनालाइज इसको आप कर सको ठीक है जो आपको लगता है कि इसका ड्रॉबैक है वो आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ये बड़ी अच्छी चीज हुई है तो वो आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे अगर आप बात करो कि स्टेट गवर्नमेंट्स का को, को काफी रोल इंक्रीज कर दिया गया इन सारे सारे नए रूल्स में तो ये एक इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट है कि पहले जो सारी की सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होती थी अब बहुत सारी चीजें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी की जाएंगी म्यूनसिपैलिटीज को पावर दी गई है काफी ज्यादा तो डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी है ना तो इसमें बहुत बहुत अच्छी चीज इसमें की गई है चलिए तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 थाउजेंड सिक्सटीन की बात कर लेते हैं प्लास्टिक वेस्ट तो ई वेस्ट की हम लोगों ने बात कर लिया सॉलिड वेस्ट की हम लोगों ने बात कर लिया मेडिकल वेस्ट की हम लोगों ने बात कर लिया तो प्लास्टिक वेस्ट की बात भी कर ले हैं लेन ठीक है प्लास्टिक वेस्ट में देखिए अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ द वेस्ट लाइक पेपर फूड पीस लीस एक्टसेट्रा एटसेट्रा जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं प्लास्टिक वेस्ट का मतलब होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि प्लास्टिक अगर आपने एक बार प्रोड्यूस कर दी तो इट विल स्टे इन योर एटमोसफेयर एनवायरमेंट फॉर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ क्योंकि इसका जो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है बहुत समय लेती है ब्रेक डाउन होने में ठीक है तो दैट इज अवर प्लास्टिक वेस्ट तो कुछ हमारे प्राइमरी प्लास्टिक वेस्ट होते हैं कुछ हमारे सेकेंडरी होते हैं प्लास्टिक वेस्ट जो प्राइमरी जैसे मान लो ये पेन हो गया है ना कोई प्लास्टिक की कोई आपने पानी पिया कोई कोल्ड ड्रिंक पिया तो वो जो प्लास्टिक होती है वो प्राइमरी प्लास्टिक होती है लेकिन जब वही प्राइमरी प्लास्टिक किसी दूसरे केमिकल्स वगैरह के साथ रिएक्शन करती है वो डिग्रेड होना स्टार्ट होती है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी प्लास्टिक रिसेंट स्टडी जो की गई है अन प्लास्टिक कलेक्टिव एक तरह का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का समझो अन प्लास्टिक कलेक्शन कलेक्टिव इसने ये इसने ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में जो है नाइन पॉइंट फोर सिक्स मिलियन टन हम लोग प्लास्टिक जो है वो जनरेट करते हैं हर साल एनुअली इसमें से जो है फोर्टी थ्री परसेंट तो हम कलेक्ट ही नहीं करते ट्रीट करना तो दूर की बात है ठीक है ट्रीट करना तो दूर की बात है उसने ये चीज़ भी फाइंड आउट की है कि फोर्टी थ्री परसेंट जो प्लास्टिक है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। जितना भी प्लास्टिक वेस्ट हम लोग करते हैं उसमें से 43 जो है सिंगल यूज प्लास्टिक है सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुका हूँ सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको आप एक बार यूज करके उसको डिस्कार्ड कर देते हो जिसको बार बार आप यूज नहीं करते हो जैसे आपकी बिजलेरी पानी की बोतल डेट्स योर सिंगल यूज प्लास्टिक ठीक है और पैकेजिंग में बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं पैकेजिंग में डाल के उसको फिर फाड़ के फेंक देते हैं अनप्लास्टिक कलेक्टिव क्या है इट्स अ वॉलंट्री

CII and WWF India. ने जो है बड़ा जोश जोश में आके इंडिया ने कमिटमेंट कर दिया है एलिमिनेट कर, कर देंगे तो इट्स अ वेरी एम्बिस टारगेट लाउड लेट सी वैपन्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक होता है क्या ठीक है देखिये इस रूल के अंदर क्या क्या बातें

तो क्योंकि वो आपसे चार्ज करेगा तो आप उसको नहीं लोगे आप घर से कैरी बैग लेके जाओगे तो क्योंकि पांच रुपए फिफ्टी माइक्रोन कर दिया गया है पहले प्लास्टिक वेस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कलेक्शन की डिस्पोज वगैरह करने की वो सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ म्यूनिसिपल एरिया अर्बन एरियाज तक थी लेकिन प्लास्टिक वेस्ट जो है आजकल गाँव गाँव तक पहुंच चुका है तो गाँव में भी तो उसको मैनेज करना है तो अभी इसके अंदर रूरल एरियाज को भी इंक्लूड कर दिया है पहले सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया के अंदर हुआ करता था जैसे हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट में किया जैसे हम लोगों ने ई वेस्ट में किया यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रोड्यूसर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जैसे नो पैपसी कोका कोला एक्िना क्योंकि ये लोग प्लास्टिक वेस्ट जो है जनरेट करते हैं तो इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया आप लोग जो है उसको कलेक्ट बैक करो कलेक्ट बैक करने मतलब देखिए इसका सीधा सा मतलब होता है जो रैग पिकर्स होते हैं जो वेस्ट कलेक्टर्स होते हैं आप उनको पैसा देते हो उनको हायर करते हो कि जाओ गांव गांव में घूम के जो है जगह जगह पे घूम के प्लास्टिक को कलेक्ट करके हमारे पास लेके आओ हम आपको पैसा देंगे ठीक है सो so इसका मतलब वो है तो वही है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फी वगैरह जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है टू प्रोमोट यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन में आप उसका यूज कर सकते हो कोई नया टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो उस प्लास्टिक वेस्ट को प्लास्टिक सड़कियाँ बना सकते हो ड्यूरेबल होती हैं और आपका जो वेस्ट मटेरियल जनरेट किया है वो अभी यूज हो जाता है बड़ी अच्छी अच्छी चीज हो रही है ठीक है तो कुछ कुछ चीज़ें हैं देखिए यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हो ठीक है तो हर पॉइंट को तो इस तरह से पढ़ने का कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है बट स्टिल आप थोड़े से इन फैक्ट्स को यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट हमारा आता है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट रूल 2017 वेटलैंड टू थाउजेंड एंडलैंडी हम लोगों को पता ही है ठीक है है 2010 में जो है, हमारे पास रूल था उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है बाय 2017 वेटलैंड कंजर्वेशन के जो नए रूल्स 2017 में आया है इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि अभी हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दी गई है आप लोग जो है अपनी स्टेट के अंदर जो भी वेटलैंड हैं आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए उनको कंजर्व कीजिए उनको आइडेंटिफाई कीजिए अपने हिसाब से रूल बनाइए सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ मोनिटरिंग का काम करेगी आप करोगे सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि भैया आप सब कुछ करो उसको आइडेंटिफाई करो प्रमोट करो कंजर्व करो, करो रूल्स बनाओ जो मर्जी करो स्टेट सेंटर का कहना यह है कि हम सिर्फ उसको मॉनिटरिंग करेंगे नथिंग एल्स ठीक है तो नए रूल ने रूले जो है सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिप्लेस कर दिया विद नेशनल वेटलैंड कमेटी के साथ उसको रिप्लेस कर दिया ठीक है और ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है इसके पास कोई पावर नहीं है किसी चीज़ को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती ओनली एडवाइजरी बॉडी ठीक है तो नए रूल के अंदर जो है वेटलैंड के आप इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते सॉलिड वेस्ट डंपिंग जैसे कोई जैसे किसी कोई लेक है कोई बहुत बड़ी तो आप ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिटी से अपना वेस्ट मटेरियल लाओगे वहाँ पे डंप कर दोगे ये सारे का सारे इसके अंदर जो है वो बैन कर दिया गया है कंप्लीटली ठीक है

द रूल्स फॉर द सेटिंग ऑफ एन डब्ल्यू सीडेड बाई द सेक्रेटरी टू मिनिटरी इंप्लीमेंटेशन बात हुई है वो इम्प्लीमेंट करेंगे सेक्रेटरी जो है मिनिस्टर एनवायरमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन के वो इस चीज को करेंगे टू थाउजेंड टेन और टू थाउजेंड सेवेंटीन में जो वेटलैंड से रूल आए हैं दोनों को थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर किया गया है टू थाउजेंड टेन के रूल के अंदर में जो है किस किस को हम लोग ने वेटलैंड डिक्लेयर किया है जो लेक्स होती हैं रेजरवर्स होते हैं टैंक्स होते हैं बैक वाटर्स क्रीक्स इन सब को हम लोगों ने वेटलैंड बोला हुआ है इसके अंदर जो है हम लोगों ने मैन मेड वेटलैंड को भी इंक्लूड किया है मैन मेड को भी लेकिन 2017 में जो लिस्ट बनाई गई है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है यानी कि 2010 वाली ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव थी तो 2017 वाले के अंदर हम लोगों ने जो है रिवर चैनल को इंक्लूड नहीं किया पैडी फील्ड्स को इंक्लूड नहीं किया ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज को भी हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है तो बहुत सारी चीज़ें जो है नए रूल के अंदर हम लोगों ने आउट कर दी हैं जो इसका ड्रॉबैक है इट्स अ ड्रॉबैक तो जो नया रूल है इट डज नॉट इंक्लूड वेटलैंड अंडर फॉरेस्ट एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन्स तो सी आर जेड के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया काफ़ी डिटेल में तो उसको भी इंक्लूड नहीं करता है ठीक है एक चीज इसके अंदर जो बहुत खराब हुई है वो ये हुई है कि वेटलैंड से रिलेटेड अगर कोई रूल वायलेट करता है अगर कोई को डिस्टर्ब करता है टू थाउजेंड टेन के रूल के अंदर जो है आप जो है एनजीटी के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर जाके जो है उसकी कंप्लेंट कर सकते थे एनजीटी जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकता था लेकिन नए रूल जो टू थाउजेंड सेवेंटीन में बनाए हैं इसमें एनजीटी को आप लोग जाके अपील नहीं कर सकते तो ये एक बहुत खराब चीज हुई है इसमें ठीक है थोड़ा सा आप और बात चीज देख सकते हो तो कुछ बेनिफिट भी है कुछ नुकसान भी है ठीक है अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में दो पॉइंट देख लेते हैं ऑलरेडी वैसे तो किसी लेक्चर में ऑलरेडी एनजीटी के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ ठीक है 2010 में ये एस्टेब्लिश की गई थी इट्स अ स्टेचुटरी बॉडी स्टैचुटरी बॉडी यानी कि इट वॉज मेड अंडर एन एक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट टू ठीक है और ये स्पेशलाइज बॉडी है डेफिनेटली और इंडिया इज द थर्ड कंट्री जिसके अंदर एक इस तरह की जो है एन बनाई गई है ये एक सेंट्रल एक ट्रिब्यूनल है एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी रूल्स आप वायलेट करते हो तो आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर जा सकते हो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है कोई किसी किसी तरह की लिस्ट नहीं बनाई गई है कि ये क्राइम होगा तो आप ये पनिशमेंट दोगे ये क्राइम होगा तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो नेचुरल जस्टिस के ऊपर बात काम करता है नेचुरल जस्टिस अकॉर्डिंग अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ठीक है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ देखिए कुछ टाइम पहले जो है श्री श्री रविशंकर जो है आ, उनका कुछ प्रोग्राम था और आ, वो यमुना के किनारे कुछ प्रोग्राम था उनका तो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था रिवर बेड का तो एनजीटी ने जो उनके ऊपर पाँच करोड़ रुपए का फाइन लगाया था है ना तो वो नेशनल नेचुरल नेशन जस्टिस के ऊपर काम करता है कोई ऐसा कोई कोर्ट नहीं है ये कोई कोई ऐसा ऐस कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स रेगुलेशन नहीं है इसके ठीक है इसको लगता है कि डिस्ट्रक्शन हुआ है कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए वो वो उसको ऑर्डर इशू कर देते हैं तो इंडिया इज द थर्ड कंट्री जो जिसमें इस तरह का प्रोविजन है पहली है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो बहुत अच्छी चीज है एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो दुनिया में काफी कम होती है ठीक है तो वो चीज हो गई तो ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर ले कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नाइन देखो वही आपको बोला कोई सीआरपीसी वगैरह का कोई ऐसा वो नहीं है इसके अंदर ठीक है इट वर्क्स ऑन द नेचुरल जस्टिस ठीक है नेचुरल जस्टिस के ऊपर बात करता है और जो एन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अगर आपके पास कोई केस आता है तो आप उसको छह महीने के अंदर अंदर में डिस्पोज करोगे अपना वर्डिक्ट सुनाओगे ठीक है तो पेनल्टी चाहे किसी के ऊपर पेनल्टी लगानी हो तो पेनल्टी लगा सकते हो इंप्रीजन तीन साल की इंप्रीजनमेंट भी आप लोग सुना सकते हो फाइन विच में अप टू टेन करोड़ दस करोड़ तक का फाइन भी लगा सकते हो तो ये कुछ इस तरह की कुछ पावर दी गई हैं अगर इससे ज्यादा फाइन लगाया जाएगा तो वो केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा अगर एनजीटी का रूल आपको पसंद नहीं आया है, आपको लगता है बहुत हार्श है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाओगे विद इन नाइन्टी डेज नब्बे दिन के अंदर अंदर अगर इसके बाद आप जाते हो तो आपकी जो अपील को जो है डिसमिस कर दिया जाएगा यू विल नॉट बी अलाउड ठीक है तो ये जो इंडिया के अंदर जो ये लॉज हैं दीज आर है लॉज ये सारे के सारे जो हैं के इसके अंडर में काम करता है ठीक है वाटर एक्ट फॉरेस्ट एक्ट एयर एक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पब्लिक लाइब्रेट इंश्योरेंस एक्ट बायोडावर्सिटी में काम करता है मतलब इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो आपका एन टेक केयर करता है दैट इज द द एनी एनी वायलेशन परटेनिंग टू दीज लॉज और डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट अंडर दीज लॉज कैन बी चैलेंज बिफोर एन तो इतने सारे देखे कानून बनाए गए हैं अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई कानून तोड़ा जा रहा है तो आप एन के पास जा सकते हो चाहे वो वोटर एक्ट हुआ चाहे वो एयर एक्ट हुआ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हुआ बायोडाइवर्सिटी एक्ट हुआ इन में अगर लगता है आपको कि रूल वायलेट हो रहा है तो आप सीधा एनजीटी में जाके अपील कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इज द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रूल्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ठीक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं और इसके रिलेटेड दो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड वियना कन्वेंशन है ना जिसके अंदर जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस करने की बात की गई है विद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस किया जाना है किसके साथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ और आपको उसमें यह भी बताया गया था कि इसमें डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन इंडिया अपने लेवल पे कुछ काम कर रहा है

जैसे जो मेडिकल पर्पज के लिए अगर यूज आप करते हो तो वहां पे यूज कर सकते हो अदरवाइज आप दूसरी चीजों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं करोगे बिकॉज इट्स अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ठीक है जैसे यूज ऑफ है टू थाउजेंड एंड वन प्रोहिबिट कर दिया गया है यूज ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड जो है इसको टू थाउजेंड फिफ्टीन तक अलाउ कर दिया गया है उसके बाद इसको भी फेज आउट कर दिया जाएगा हाइड्रोक्लोरोलोरोबन आर यूज्ड एज देखिए वही बात हुई ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस किया गया था किसके साथ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको यूज किया गया था जो ग्रीन है, है, ना? जो है, ओजोन डिप्लेटिंग है तो इसको 2014 तक अलाउ किया गया है ठीक है क्योंकि सस्ता पड़ता है हमारे पास अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं है तो उसको वहां तक इंक्लूड कर दिया गया है इसमें एक बात और है इंडिया ने जो है हाइड्रोक्लोरोलोरोबन एच एफ सी एफ वन फोर्टी वन बी इट्स एंड इट्सिंग इसको इट्स अ गुड न्यूज तो अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए तो एच एफ सी एफ वन फोर्टी वन बी इट्सेंस इट्स अ वेरी वेरी हाईली ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस ठीक है क्लोरो फ्लोरोबन के बाद इसी का नंबर आता है एच एफ सी एफ वन फोर्टी वन बी तो इंडियन को फेज आउट कर दिया गया है